3 BHK लेना पड़ेगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी और पर्सनल स्पेस। शादी का सब बदल जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तेरी कब शादी हुई? अरे मेरा नहीं, मेरा भाई का हुआ ना यार। तू कंपनी का राइटर है तो थोड़ी सी शर्म कर। नहीं तू चुप बैठ ना। नहीं भाड़ में जा। नहीं यार सब लोग गोवा में है। देख मैं यार मैं भी ऑफिस में हूँ, कब से घर ही नहीं गया हूँ। और मैं यहाँ तेरे साथ बैठ के सड़ रही हूँ। हेलो मेरे को क्या मजा आ रहा है क्या? ए ब्रो जाना घर, शादी है ना तेरा। लीव अप्रूव हो गई ना तेरी? मुझे शादी नहीं करनी है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, गॉट इट? देख केशव तू जो भी फील कर रहा है ना दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लाइक वेडिंग जिटर्स सबको आते हैं, प्रॉब्लम्स हजारे हैं। फॉर स्टार्टर्स मेरा बापू बोल रहा है शादी से पहले 3 BHK लेना पड़ेगा और उसका EMI भी मुझे ही भरना पड़ेगा 20 साल के लिए। 20 साल? नॉट फेयर। 20 years? नॉट फेयर। कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा बट आई कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रायोरिटीज ब्रो। मतलब यू नो ना सैटरडे नाइट क्लबिंग ब्रो, आई हैव अ वाइल्ड लाइफस्टाइल, आई जस्ट कैनॉट डू। पूछू तेरे गिन के 5 दोस्त है, उसमें से 2 हम दोनों। दैट्स ट्रू, वो भी है बट वाइल्ड लाइफस्टाइल तो है ही मेरी। बट सब ठीक है यार, मतलब बट मेरा पर्सनल स्पेस का क्या ब्रो? हाँ मतलब सारे पासवर्ड्स मेरे उसके साथ शेयर करने पड़ेंगे मुझे, कैन यू इमेजिन? फोकस स्टूडेंट 2414 ब्रो। या सबको पता है। एग्जैक्टली, वायरल। मैं भी कॉफी लेने जा रहा हूँ ब्रो, मेरे लिए भी लेके प्लीज। ब्लैक? यस। एक विदाउट शुगर। तेरे लिए लेके आऊंगा कॉफी, नेवर ब्रो। मैं क्या बोल रहा बता, शादी का सब बदल जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तेरी कब शादी हुई? अरे मेरा नहीं, मेरा भाई का हुआ ना यार। कितना बोरिंग हो गया मालूम है अभी हो। पहले सैटरडे को होता चल फूकते पार्टी करते, अभी घर पे पड़ा रहता है। छोड़ दिया होगा उसे फूकना। एग्जैक्टली, बोरिंग। इंचो क्या फालतू कॉफी है बे। एग्जैक्टली ब्रो, मशीन बहुत बकवास है का। सुना स्टॉक है क्या? है ना, पिएगा? हाँ पिएगी। पिएगी क्या? नहीं पिएगी, गुड। चलो लेट्स ड्रिंक। आई एम वेरी श्योर कि उसकी भी फटी पड़ी होगी। नहीं ना यार, शी इज फकिंग चिल। तेरे को क्या मालूम, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ रही है, तू जा रहा है क्या उसके पेरेंट्स के पास? पर उसके मॉम डैड को तो मुझे मिलना पड़ेगा ना। तो मिल लेना वंस इन अ ब्लू मून। उसके रिलेटिव्स बहुत बोरिंग है यार, 25-30 इवेंट रहते हैं उनके महीने के, मुझे समझ में नहीं आता। अब बहुत बहुत पकता है यार मुझे। गाइस कम। वेलकम गाइस, वेलकम टू अ बार। कैसा है? गुड जॉब ब्रो। थैंक्स मैन। नाइस वन ब्रो। या कंटेंट पे आ जा रहा। ड्रिंक्स भी रेडी है तुम्हारा। वाह। चीयर्स। चीयर्स टू केशव। यार मैं सोच रहा था शादी में रिलेटिव्स के साथ स्मॉल टॉक करना पड़ेगा ना, कितना कितना बोरिंग होगा ना यार। तो भंड होकर कर लेना, पता भी नहीं चलेगा। और मास्क पहन के चीजी पोजेस भी देने पड़ेंगे, मतलब इतना चुतिया लगूंगा ना मैं। फोटोग्राफर हायर मत कर, पैसे बच जाएंगे तेरे। लॉन्डो ने मंडप में तमाशा किया तो सिर्फ डिनर पे बुलाना। एंड what if I stop loving her one day? Bro, मुझे क्या लगता है तू बहुत ओवर कर रहा है ब्रो। अभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तेरा, फिर भी तू ओवर कर रहा है। परफेक्ट कुछ नहीं होता ब्रो। प्रांजी लेने का देखा ना क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया ना, इसलिए मेरे को ये दलदल में उतरने का ही नहीं है। ब्रो अगर तू ऊपर से डायरेक्टली दलदल में गिरेगा ना तो तू बच सकता है, सुक्का जमीन में गिरेगा ना पचक के मर जाएगा। तुझे क्या लगता है ब्रो, शादी के 1 हफ्ते पहले आके तू बोलेगा आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, तू तो कूल बन गया क्या यार? यू नीड अ कंपेनियन इन लाइफ, यू कांट बी लोनली थ्रू आउट, बिकॉज यू नो व्हाट, बीइंग अलोन सक्स यार, सक्स बिग टाइम।
साले तू लकी है यार, प्रिया जैसी लड़की तेरे को, श्रेया या आई मीन लाइक श्रेया जैसी लड़की तेरे को 4 साल डेट कर रहा है, हाँ 5 साल से डेट कर रही है तेरे को, तेरे को पता है ये सब, एंड यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू अ गर्ल हुम यू लव यार, और क्या चाहिए तुझे? और मुझे क्या लगता है ये ना नाटक कर रहा है, ही नोज एवरीथिंग, सिर्फ अपने मुंह से सुनना चाहता है, तेरे को सिर्फ वैलिडेशन चाहिए ना हम लोग से, नीट घटक और ये सब थॉट्स निकाल दे यार, यू लव हर, शुड गेट मैरिड टू हर मैन, क्या है यार? हाँ श्रेया, हाँ नहीं मैं अभी वो हाँ दो दो मिनट दो मिनट, हाँ श्रेया, हाँ यार राहुल मेरे को नहीं पता था यार कि तू इतना लोनली है, घंटा लोनली है मैं, ये सेम चीज है ना, कंपेनियन ना लोन सक्स ये सब मेरा डैड मेरे को बोलते हैं यार, रोज रात को बोलते हैं, वही सेम चिपका डाला इसको, कैसा है बे तू? अरे कैसा है मतलब, खामा खा इंप्रेस हो गई थी मैं, आई थिंक यू आर राइट गाइस, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, मुझे सिर्फ किसी दूसरे के मुंह से सुनना था कि I'm doing the right thing. Yes. क्या चूतिया हूँ ना मैं? हाँ? नहीं ब्रो, मैं भी करता हूँ. मैं कोई शूज लेने से पहले 10 लोग को पूछता हूँ कि कैसा है तो होता है यार. Even I do it. मतलब मुझे पता होता है कि मुझे क्या आंसर सुनना है, इसलिए मैं उन्हीं लोगों से वैलिडेशन सीख करती हूँ जो जिनका आंसर मुझे पता होता है. So yeah. Thank you. Thank you so much. यार. Thank you so much. यार. Thank you so much. Oh. Hey man. Bro, एक मिनट. Guys. नहीं, ठीक है यार छोड़. Okay, so guys, actually वो क्या है कि जा तेरे को गेट ट्रिप नहीं देंगे हम, जा. पक्का ना, बट मतलब पक्का पक्का पक्का. Hey guys. Go. Hi guys, thanks for watching this video. If you like this video, please hit the like button. And also like, share and subscribe to Ask Men India. Very important. अगर आपको भी wedding jitters आ रहे हो तो please आपके experiences comment section में लिख दीजिएगा. And also like, share and subscribe to Ask Men India. दो बार हो गया. And also like, share and subscribe to Ask Men India. तो करो ना यार, कर रहा क्यों नहीं है? Wrong.